वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हमारे किचन एक्सपर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं, देखिए, गूंथे हुए आटे से ही नाश्ता। नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि 1 जुलाई है और बच्चों को कुछ ना कुछ नया चाहिए ही होता है, तो इस टाइम पर बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला ये नाश्ता आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। देखिए, तो इसके बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो देखिए, ये ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डालने वाले हैं गेहूँ के आटे। अगर आपके पास बचा हुआ आटा है गुथा हुआ तो वो भी चलने वाला है। तो देखिए, ये मैंने एक कटोरी आटा ले लिया और इसी के साथ डालने वाले हैं हल्का सा नमक और देखिए इसी के साथ डालेंगे हल्का सा हम देसी घी। देखिए, बच्चों के लिए हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो इसमें कोई समझौता नहीं करना है भाई, 1 चम्मच देसी घी ज़रूर डालिए क्योंकि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो इसीलिए हमने इसमें देसी घी डाला है और सरसों का तेल हमने ऐड नहीं करा है क्योंकि सरसों के तेल से होता क्या है कि वो कच्चा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई ऐसी बात भी नहीं है, आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे हेल्दी बनाने वाली हूँ तो मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है और 1 चम्मच यानी कि 1 चुटकी जो होता है नमक डाला है, यानी कि 1/2 चम्मच। जितना आपने आटा लिया, अपना जितना नमक खाते हैं तो उससे कम ही डालिए इसमें। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है और धीरे धीरे कर इस आटे को आपको गूंथना है। बस इतना अच्छा इसे आटे को लगाना है तभी आपका बनेगा ये नाश्ता, नहीं तो भाई ये नाश्ता नहीं बन पाएगा। आटा गूंथने की भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे आटे को जब भी आप गूंथे तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी को बहुत धीमे धीमे कर डालना है, जितना पानी आपका आटा मांगे उतना ही डालें, नहीं तो अगर आटा पतला हो गया तो भाई नाश्ता तो बनेगा नहीं और जल्दी की बजाय और देर हो जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आटा हमारा इतना सख्त हो कि हमारा जो नाश्ता है बहुत अच्छा बने। तो देखिए, आटे को मैंने गूंथ लिया है और देखिए इसे मैं दिखा देती हूँ, इतना सख्त आपको रखना है जैसे कि आप रोटी बनाते हो उससे ज़्यादा, जैसे कि आपने कभी पूरी बनाई होंगी। वैसे पूरी 2 तरह से बनाई जाती है, पतली और कैड़ी, लेकिन जितनी कैड़े आटे की पूरी बनती है उतनी ही बढ़िया बनती है। तो चलिए, इसके लिए बनाने के लिए ले लेना है हमें एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेते हैं 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी ज़रूर डालिए, इससे कम पानी नहीं है। अगर आप नाश्ता ज़्यादा बना रहे हैं 2 कटोरी आटे से तो 2 लीटर पानी ज़रूर डालिए। जैसे ही हमारा पानी उबल जाएगा तो उसके साथ डालने वाले हैं, देखिए जो हमने आटा लिया है उसे कैंची से हम काटने वाले हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों, इतना अच्छा भी लगता है कि आज तक आपने जितने नाश्ते खाए होंगे उससे जल्दी और झटपट बनने वाला ये नाश्ता बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए, अगर आपके हाथ जलते हैं क्योंकि भाप आती है तो हाथ तो जलने की भी लगता ही है कि भाई हाथ में जलन सी हो रही है, तो चलिए इसके लिए हम दूसरी तरह से भी आपको बता देते हैं। एक ले लिया देखिए हमने मिक्सिंग बाउल, जो हमने आटा मांडा था उसी में आप कटोरी में भी इसे काट कर रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से काट लेते हैं अलग से और देखिए जैसे ही हमारा एक कट जाएगा, जो पानी हमने उबाला हुआ है और देखिए उसी में हमने इसे डाल लिया है। इसे डालने के बाद आपको 10 मिनट तक इसे पकाना है। अगर नाश्ता कच्चा होगा तो नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है और देखिए मीडियम गैस पर पकाना है, तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएगा, जब जाकर हमारा ये नाश्ता हो जाएगा तैयार। बहुत ही जल्दी बनता है, इसलिए जल्दी है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है तो आपको गैस पर तो ज़्यादा काम है ही नहीं, आटे को भी आप बाहर ही गूंथ सकते हैं। और देखिए, पानी गैस पर उबाल लीजिए और बाहर ही इसे कट कर सकते हैं, तो अंदर गर्मी का काम ही कम कर दिया है देखिए दोस्तों। तो देखिए, ये हमारा नाश्ता अच्छी तरीके से पक गया है। इस टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इसी तरीके से आपको रखना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही पक जाएगा, 10 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है, और इसे निकालने के लिए एक छारा ले लीजिए क्योंकि पानी से अलग रखना है हमें। तो देखिए, पानी अपने आप ही बहुत ही जल्दी निकल जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी से निकालने के बाद एक प्लेट में से निकाल लेते हैं हम। दोस्तों, मैं याद दिला दूं, आज अगर आपको मेरा बना ये आज का नाश्ता पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए। तो देखिए, नाश्ता मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और देखिए फिर से दोबारा से दिखा देती हूँ मैं आपको, इसी तरीके से आपको निकालना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी स्टेप मैंने आपसे मिस नहीं की है। तो देखिए, गेहूँ के आटे का नाश्ता बहुत हेल्दी भी होता है। और देखिए, ये ले ली मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालना है आपको,
और देखिए मैंने इसमें राई को डाला है, राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसके जगह आप इसमें ये जो तिल होते हैं ये भी डाल सकते हैं, लेकिन राई से जरूर बनाइए। और देखिए प्याज को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया, ऊपर से डाल लिया है मैंने इसमें टमाटर। प्याज को ज़्यादा हमें काला नहीं करना है, बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म करना है, और टमाटर को भी अच्छी तरीके से पका लेना है। तो देखिए ये डाल लिया है मैंने इसमें हल्दी पाउडर, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डालिए नमक, नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने पहले आटे में भी डाल रखा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम पकाएंगे, टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक जाएंगे तब हम इसमें नाश्ता डालने वाले हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा मसाले का यूज नहीं कर रही क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मसाले ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मसाले पेट के लिए ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो बच्चों की देखिए सेहत का कोई समझौता नहीं करना है, तो इसीलिए आप भी मसाले कम डालिए। ये मैंने मिर्च डालनी है, मिर्च देखिए इसमें तेज वाली मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाली है, कलर वाली मिर्च डाली है ताकि बच्चों को लगे कि भाई तीखे भी हैं। तो देखिए ये डाल लिया है हमने अपना नाश्ता जो मैंने अभी बनाया है, और इसमें डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हमें मिलाना है क्योंकि जो भी हमने इसमें डाला है, जैसे कि नमक डाला है हल्का सा, और डाल दिया है हमने इसमें हल्दी डाल दी है, इसका कलर भी इसमें अच्छी तरीके से आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे नाश्ते में अच्छे तरह से मिल जाएंगी। और राई जो हमने डाली है, राई खट्टेपन का एहसास कराती है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम अचार डालते हैं तो राई को ज़रूर डालते हैं, तो राई से खट्टापन आता है। तो देखिए नाश्ता बहुत टेस्टी लगने वाला है, बच्चे हैं बड़े आपको बहुत पसंद आएगा, और 5 मिनट में तैयार होने वाला है नाश्ता। तो देखिए मैंने बिल्कुल आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया है, तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं और सर्व कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ले लिया है मैंने प्लेट, और प्लेट में निकाल कर अब आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए खिला खिला ही नाश्ता है, और देखिए कोई आपस में चिपक भी नहीं रहा है, और देखने में बहुत ही यम्मी बना हुआ है, बच्चे इसे बिल्कुल छोड़ने वाले ही नहीं है। आप इसे ज़रूर बनाइए और बनाकर मुझे कमेंट में बताइए कि आपके बच्चों को कैसा लगा। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा भाई, बच्चे बार बार आपसे यही जिद करवाएंगे, हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो यही बनवाएंगे। देखिए नाश्ता हो गया है तैयार दोस्तों, मैं फिर से याद दिला दूं दोस्तों, अगर आपको आज के बने हुए मेरी नाश्ते की वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी आने का मौका मिले आगे।